स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर फिर से। आज एक दूसरी वीडियो में हम हमारी बॉडी के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको लेकर आए हैं। सबसे पहला बच्चों कि हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं उन उंगलियों में बीच की उंगली का नाखून अन्य उंगलियों से तीव्र गति से बढ़ता है, ये बात एक रोचक तथ्य में आती है। उसके अलावा हाथ की उंगलियों के नाखून जो होते हैं वो पैर की उंगलियों के नाखून से 4 गुना ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं। इसीलिए हम हाथ के नाखून ज़्यादा बार काटते हैं और पैर के नाखून कम बार काटते हैं। इसके अलावा आपको दूसरी बात बता दें, हमारे नाखून और बाल जो एक पदार्थ होता है कैराटिन नाम का प्रोटीन होता है, कैराटिन उस प्रोटीन से बने होते हैं हमारे बाल और नाखून। तीसरी बात, हमारी रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है, जो रक्त का फ्लो है, उस फ्लो की जो गति होती है वो लगभग 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा से 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक होती है। इसका मतलब ये समझें कि अगर यदि मानव शरीर के सभी रक्त वाहिनियों को एक साथ जोड़ा जाए, यदि किसी मनुष्य की सभी रक्त वाहिनियों को इकट्ठा करके उसको जोड़ा जाए, रखा जाए जोड़ के, तो लगभग इनकी लंबाई बताई जाती है 1,00,000 किलोमीटर तक हो जाएगी। अब सोचिए कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो 1,00,000 किलोमीटर तक हर बार में इतने में ब्लड जाता ही जाता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी को 2.5 बार बांधने के लिए, समझ रहे हैं, पूरी पृथ्वी को जिसकी परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है उसको अगर बांधा जाए तो एक वयस्क मनुष्य की जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो पर्याप्त हैं। एक वयस्क मनुष्य की रक्त वाहिनियों से पूरी पृथ्वी को 2.5 बार लपेटा जा सकता है, बांधा जा सकता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हर इंसान के अंदर स्वाद को परखने की क्षमता धीरे धीरे कम ही होती जाती है। इसीलिए स्वाद को परखने की क्षमता वृद्धों की अपेक्षा, वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा होती है। तो आशा करते हैं आपको आज के रोचक तथ्यों को जानकारी आपने हासिल की है वो बढ़िया लगी होगी, और इसके अलावा हम तीसरी वीडियो इसी सीरीज में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।